सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी अमेजिंग लोकल मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में जो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। और इन गेम्स को खेलने के लिए आपको ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ना कोई ऑनलाइन मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी, इनफैक्ट आपको कोई एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग गेम्स हम इस लिस्ट में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो नए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक एंड कमेंट सबके सब कर दो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा गेमिंग कंटेंट बना के रखा है चैनल पे, तो उसको भी जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। निंटेंडो स्विच का कोई भी गेम या फिर कंसोल खरीदना चाहते हो तो nistore.in उनकी वेबसाइट या फिर निंटेंडो इंडिया स्टोर इंस्टाग्राम पेज को डेफिनेटली फॉलो कर लेना। तो बस यार, विदाउट एनी डिले अब वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहली गेम का नाम है यार अनरावल 2। ये गेम बहुत ज़्यादा फन होने वाली है अगर आपके पास कोई और ह्यूमन है खेलने के लिए साथ में, क्योंकि इस गेम के पजल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग गेम है ये। इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी इनडेप्थ स्टोरी है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको समझ आएगा कि ये स्टोरी इतनी बेसिक नहीं जितनी लग रही है, एंड बहुत आराम से आप काफ़ी सारी चीज़ों को अनरावल करो। परफॉर्मेंस भी इस गेम की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड बेस्ट बात है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे एक्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी बार सेल पर जाती है, एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव अगर आपके पास एक दोस्त है, मतलब हो गई, आई एम अज्यूमिंग दोस्त तो हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर है, कजन्स है, जिनके साथ आप ये गेम खेल पाओ, मज़ा डबल हो जाएगा। सेकेंड गेम उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनके साबुन को स्लो कहते हैं और आपका मन करता है कि उनका मुंह तोड़ दे, लेकिन तोड़ नहीं सकते क्योंकि जेल हो जाएगी। इस गेम का नाम है आर्म्स, और मैं आपको बता रहा हूँ ये एक इतनी ज़्यादा अंडररेटेड मल्टीप्लेयर गेम है। इस गेम में बेसिकली आप एक कैरेक्टर हो जिसकी आर्म्स एक्सटेंड हो जाती हैं, एंड वो बेसिकली बॉक्सिंग कर सकता है, एंड हर एक कैरेक्टर के पास एक अलग टाइप की आर्म है, यानी अलग अलग मूव्स हैं, एंड ये गेम बहुत ज़्यादा मोशन सेंसर्स पर डिपेंडेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये किसी इंसान के साथ खेल रहे हो, मतलब दिस गेम इज़ अ ब्लास्ट। मैंने बहुत ब्रीफ टाइम के लिए गेम खेली है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जितना भी मेरा टाइम था बहुत ज़्यादा अमेजिंग कटा। दिस इज़ जेन्युइनली जस्ट अ मल्टीप्लेयर गेम, मतलब इसमें सिंगल प्लेयर मोड है लेकिन मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है। ये गेम बनी ही मल्टीप्लेयर खेलने के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, स्पेशली जब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाए ये गेम खेलो भाई, सारी भड़ास निकल जाएगी। एंड बेस्ट चीज़ है इसके लिए आपको एक सेपरेट कंट्रोलर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स है, मतलब यू विल लव दिस गेम, डेफिनेटली ट्राई इट आउट। हमारे लिए इसकी अगली गेम का जो आर्ट स्टाइल है ना वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो रेट्रो कार्टून्स जैसे आते थे ना एग्जैक्टली वैसा है। तो नेक्स्ट गेम है कपहेड। कपहेड एक काफ़ी चैलेंजिंग गेम है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको लग रहा है इसको देख के कि अच्छा कितनी क्यूट सी एनिमेशन है, बहुत मज़े आने वाले हैं, भाई मज़े तो आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, और अगर आपने अपने दोस्त को भी इंक्लूड कर दिया तो दो लोगों को साथ में भी गुस्सा आ सकता है और फिर एक दूसरे पे भी अपने हाथापाई कर सकते हैं। मेरी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जोक्स अपार्ट दिस इज एक्चुअली अ वेरी फन गेम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, प्राइस भी काफ़ी डिसेंट है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अगली गेम का नाम है मूविंग आउट। इसका एक सीक्वल भी आने वाला है काफ़ी जल्द, वो स्विच पे भी आएगा, एंड इस गेम का बेसिक प्रेमिस बता देता हूँ मैं आपको। कुछ लोग हैं जिनको अपना घर खाली करके किसी और घर में जाना है, एंड आपको उनका जितना भी सामान है घर के अंदर वो मूव करना है, यानी आप उनके घर के अंदर से ट्रक के अंदर डालना है। अब ऑफकोर्स इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनवायरमेंट्स होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, इतना सिंपल तो नहीं करेंगे ना, घर से बस लैंप उठा के ट्रक में रख दिया तो फन कैसे रहेगी गेम। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड करी है, जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी अच्छे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे, जो कैरेक्टर्स हैं लेकिन ना उनकी मूवमेंट समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब एक दो लेवल्स खेलोगे ना तब आपको समझ आएगा कि अच्छा कैरेक्टर्स मूव कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहोगे, एंड ये अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए या फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड्स ही होते हैं दोस्त, अपनी फैमिली के साथ खेलने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ खेलने के लिए दोबारा अगर आपके पास है तो काफ़ी फन गेम है, तो ट्राई कर सकते हो आप। लिस्ट की अगली गेम का नाम है हायरूल वॉरियर्स एज ऑफ कलामिटी। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक प्रेमिस बता देता हूँ। आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ एनिमीज होंगे, आपको उनको खत्म करना है, ठीक है। आपके पास वेपन्स होंगे, स्वॉर्ड हो सकती है, स्पीयर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा कैरेक्टर है। आपके पास बहुत सारे अमेजिंग मूव्स होंगे, स्पेशल मूव्स होंगे, आपको बेसिकली उन एनिमीज को मार के वो एरिया क्लियर करना है। अब इसमें मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट कहाँ आता है, तो जब भी आप कोई लेवल खेल रहे हो आप बेसिकली इसमें एक अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि भाई तू भी इस पार्टी को ज्वाइन कर ले, एंड इस गेम की बेस्ट बात है कि इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा कंट्रोलर नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, आप बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ स्प्लिट स्क्रीन पे मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, वो भी हंड्रेड्स ऑफ एनिमीज को मारेगा, आप भी हंड्रेड्स ऑफ एनिमीज को मारोगे, बहुत फन गेम है, डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। अगली गेम का नाम है सुपर स्मैश ब्रोस अल्टीमेट, एंड ये गेम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, मतलब इसकी मल्टीप्लेयर की जो कम्युनिटी इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा मैसिव है। तो अगर मैं नहीं भी बताता इस गेम के बारे में आई थिंक तो भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस गेम का नाम सुना हो। ये एक प्रॉपर फाइटिंग गेम है, मॉर्टल कॉम्बैट अगर आपने सुना हो तो एक्जैक्टली वैसी ही फाइटिंग गेम है, आप
चार लोग भी मिलकर खेल सकते हो इस गेम को। एंड ऑफकोर्स ये भी लोकल मल्टीप्लेयर सपोर्ट करती है, तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, अपने स्किल्स टेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स है इस गेम में, बहुत सारे डिफरेंट मूव्स है, हर कैरेक्टर इनफैक्ट यूनिक है। बहुत सारी जो एनवायरमेंट्स है ना, जो बेसिकली अरीनाज होती हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो आप बोर नहीं होगे बहुत जल्दी। एंड काफ़ी फन गेम है, परफॉर्मेंस मक्खन, मतलब बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस इस गेम की, तो इसको भी डेफिनेटली ट्राई करना। अगली गेम का नाम है Nintendo Switch Sports, एंड जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑफकोर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम है, तो इसमें बैडमिंटन है, टेनिस है, गोल्फ है, सॉर्ट ऑफ सॉकर भी है, स्पोर्ट फाइटिंग है, एंड ये सारी की सारी चीज़ें आप मल्टीप्लेयर पे खेल सकते हो लोकली विदाउट बाइंग एनी एक्स्ट्रा कंट्रोलर और जॉयकॉन्स। बहुत ज़्यादा मोशन सेंसर्स पे डिपेंडेंट गेम है, तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, तो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज भी करोगे आप इस गेम को खेलते हुए। एंड जो इसके गेम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, एंड इसके जो HD रंबल है जो जॉयकॉन्स वाइब्रेट करता है वो भी काफ़ी अच्छी फील देता है। साउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने और किसी गेम के लिए ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि इस गेम की जो साउंड्स है वो एक्चुअली आपको फील करवा देगा कि आप गेम ही खेल रहे हो, मतलब रियल लाइफ में ही बैडमिंटन खेल रहे हो, ऐसा फील हो जाएगा। तो आपको अगर गेमिंग का भी शौक है, थोड़ी फिटनेस भी करनी है गेमिंग करते हुए, तो ये गेम खेल लो, इससे आप फिट भी रहोगे एंड इससे आप गेमिंग का भी शौक पूरा करते रहोगे अपना। तो डेफिनेटली चेकआउट Nintendo Switch Sports। अगली गेम का नाम है मारियो कार्ट 8 डीलक्स, एंड ये गेम Nintendo Switch की सबसे सक्सेसफुल गेम है। इसकी कम्युनिटी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आपको मल्टीप्लेयर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑनलाइन भी। हाउएवर इसका एक ऑफलाइन मोड भी है जिसमें आप लोकल मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, और इस गेम के जो ट्रैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, मतलब हर एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि आप जल्दी बोर नहीं होंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है, तो आप उसमें भी जल्दी बोर नहीं होंगे। और ऐसी रेसिंग गेम्स एक्चुअली बहुत कम ही बची हैं जो स्प्लिट स्क्रीन खेल सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, एंड मज़े कर सकते हो, बहुत कम बची है, एंड ये उनमें से एक है। तो इसको डेफिनेटली खरीदना, मतलब इसको मिस आउट तो डेफिनेटली मत करना अगर आपको रेसिंग गेम्स पसंद है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड रेसिंग गेम भी है। अगली गेम का नाम है Kirby and the Forgotten Lands। वैसे तो ये गेम काफ़ी सॉलिड सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें ये पूरी की पूरी गेम आप कोऑप मोड पे भी ख़त्म कर सकते हो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम जेन्युइनली बहुत सॉलिड गेम है, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्मिंग गेम है, इसके मैकेनिक्स बहुत ऑसम है, एनवायरमेंट्स बहुत ऑसम है, जो पजल सॉल्विंग देते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फन है, एंड इसको आप अपने दोस्त के साथ भी ख़त्म कर सकते हो। तो और क्या चाहिए गेम यार, मतलब जाओ खेलो Kirby and the Forgotten Lands अपने दोस्त के साथ। अगले गेम का नाम है मारियो पार्टी सुपर स्टार्स, एंड इसमें अप टू 4 प्लेयर्स के साथ आप ये खेल सकते हो, एंड इसमें बहुत सारी मिनी गेम्स है जो आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, और सारी की सारी गेम्स कंपेटिटिव हैं, मतलब एंड में कोई विनर निकलता है, तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव गेम है। आप अपने दोस्तों के साथ कॉम्पिटिशन लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा बेटर गेमर है, एंड इस गेम में भी बोर होने के लिए आपको बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनी गेम्स है, तो आप जल्दी बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। एंड वैसे भी जब मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो अपने दोस्तों के साथ तो फन और बढ़ जाता है, तो वैसे भी बोर नहीं होता इंसान। इस गेम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, एंड इसका लोकल मल्टीप्लेयर बहुत ज्यादा सीमलेस है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले गेम का नाम है स्नाइपर क्लिप्स, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, काफ़ी ज़्यादा फन, काफ़ी डिफरेंट सी गेम है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे पजल्स आते हैं, आप बेसिकली पेपर होते हो, आपको एंड आप दो प्लेयर्स होते हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली जो शेप होती है स्क्रीन पे उसके एग्जैक्ट सेम डायमेंशन पे अपने आप को कट करना होता है, इफ़ दैट मेक्स सेंस, मतलब यही करना होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बेसिकली पेपर हो आप, ठीक है, स्क्रीन पे एक कोई पर्टिकुलर शेप बनी हुई है, आपको जो आपके सामने वाला पर्सन है जो सेकंड प्लेयर है उसके पेपर को ऐसे काटना है कि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रखी है शेप वो वैसा दिखने लग जाए, एंड उसको भी आपके साथ यही करना है, मतलब यही गेम है। अगर समझ आई तो समझ आई, नहीं आई तो मैं शायद बहुत ही बुरा हूँ इस गेम को समझाने में, लेकिन फन गेम है जनरली, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिंपल है, मतलब इजी टू प्ले हार्ड टू मास्टर टाइप गेम है, एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद अ फ्रेंड। अगली गेम का नाम है लुइगी मैंशन 3, एंड आप ये पूरी की पूरी गेम एज लोकल कोऑप में भी खत्म कर सकते हो। जो मेन प्लेयर होगा वो बन जाएगा लुइगी, एंड जो सेकंड प्लेयर होगा वो बन जाएगा गुइजी, एंड बहुत कम ही गेम्स हैं जिसमें लुइगी हीरो होता है एंड बाकी सब जीरो होते हैं। तो बेसिकली सबको किडनैप कर लिया भूतों ने, एंड लुइगी के ऊपर है अब सबको बचाना, एंड लुइगी की खुद की बहुत फटती है, मतलब बहुत डरपोक सा कैरेक्टर है, तो काफ़ी फन होता है इसको इंटरेक्ट करते हुए देखना भूतों के साथ। तो ओवरऑल इट्स अ फन गेम, एंड क्योंकि आप लोकल मल्टीप्लेयर पे खेलते हो तो ऑफकोर्स कुछ पजल्स चेंज हो जाते हैं एंड डिफिकल्टी चेंज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल इट्स अ रियली फन गेम, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, एंड इसका जो सिंगल प्लेयर कैंपेन है वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो अगर आप लोकल के लिए भी नहीं खरीद लो तो आप इसको, मतलब लोकल मल्टीप्लेयर के लिए भी नहीं खरीद रहे हो तो आप सिंगल प्लेयर के लिए भी खरीद सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
तो बस यार गाइज आज के वीडियो के लिए रखते हैं, प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना यार, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई आई नो। अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, nistore.in एंड Nintendo India स्टोर उनके इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट कर लेना, इन सब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।